कौन है तू? कौन है? सर्व सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आया। सर्व सिस्टर, क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु निकालेगा। नहीं निकाल सकता तेरा प्रभु यीशु। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। कौन है? कौन है तू? कौन है? कौन है तू? कौन है? मैं पुलिस छोड़ दूँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? तेरा तो अभी आधा ही पाप बताई हूँ, अभी पूरा बताना बाकी है। चल। नहीं नहीं, जाने दो। आजा, आजा। कहाँ जा रहा है तू? आजा, 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 आजा। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तू मुझे निकालने आया था ना? नहीं जाने नहीं दूंगी मैं तुझे, नहीं जाने। आजा, आजा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अभी तो मैं तुझे आधा ही पाप बताई हूँ तेरा। आजा। आजा, आजा, मैं तुझे अभी तेरा आधा पाप बताई हूँ। तू मुझे निकालने आया था ना? आजा। आजा, आजा, कहाँ जा रहा है तू? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तू तो मुझे निकालने आया था ना? अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो, पास्टर साहब। हाँ जी बोलिए। अरे पास्टर साहब, आपको कुछ बताना था। अच्छा बोलिए। अच्छा, वो हमारे शर्मा सिस्टर है ना? हाँ हाँ। उनके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया है और जितने सारे पास्टर लोग गए थे सबको उसने मार मार कर भगाया है और उनके पापों के बारे में बताती है। अरे बाप रे। और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है। अच्छा बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। आप जरूर जाइए वहाँ पे और दुष्ट आत्मा को निकालिए। जी जी जी। वो तो हमसे नहीं निकला। जी जी, मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा वहाँ पे। बिल्कुल जाइएगा। जी हाँ बिल्कुल। मैं रखता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। बाय 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 बाय। ये कैसा दुष्ट आत्मा है जो लोगों के पापों के बारे में बता रहा है? और जा करके मेरे को देखना पड़ेगा, शर्मा सिस्टर का तो पूरा हाल बेहाल हो गया होगा। लेकिन ये दुष्ट आत्मा आया कहाँ से? और कोई भी पास्टर निकाल नहीं पा रहा है, कारण क्या है? चलिए मैं जा करके देखता हूँ। कोई है घर में? इतना अंधेरा कैसे? कोई है घर में? कोई है घर में? शर्मा सिस्टर, शर्मा सिस्टर, शर्मा सिस्टर, यहां भी अंधेरे। शर्मा सिस्टर, कोई है? और पास्टर आ गया है। शर्मा सिस्टर, इस पास्टर को भी कोई नहीं, खत्म करके भेजूंगी। <आ, आ, आ, laughs>
कोई तो था यहाँ। शर्मा सिस्टर, शर्मा सिस्टर, कोई तो था यहाँ पे, कोई तो था। मैं आपके लिए प्रार्थना करने आया। शर्मा सिस्टर, आपको क्या हो गया है? सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। शर्मा सिस्टर, क्या कर रहे हो? तू मुझे निकालने आया है? तू मुझे नहीं निकाल सकता, समझ गया? तू मुझे क्या निकालेगा यहाँ से? यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। प्रभु तुझे निकालेगा? मैं नहीं निकाल सकता तेरा प्रभु मुझे। कोई नहीं कुछ कर सकता मेरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ गया? नहीं निकाल सकता तू मेरा यहाँ से। प्रभु यीशु निकालेगा? नहीं निकाल सकता तेरा प्रभु यीशु। शर्मा सिस्टर उठो। शर्मा सिस्टर, लेट जाओ यहाँ। बाप रे, प्रभु तूने मुझे बचाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तो मैं मरने वाला था। शर्मा सिस्टर उठो। शर्मा सिस्टर, पानी, सिस्टर को पानी डाल करके उठाता हूँ, शायद उड़ जाए। शर्मा सिस्टर उठिए। शर्मा सिस्टर, कैसा लग रहा है आपको अभी? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु आपको चंगाई देगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना? हे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा? मैं तेरा पाप गिनाऊं? तू वह विचार किया है, तू कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, तू चोरी किया है, मैं बताऊं तू क्या क्या किया है? और गिनाऊ तेरा पाप? तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा? तू मुझे यहाँ से भगाएगा? तू मुझे निकालेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता तू, नहीं निकाल सकता। तो सब पाप मेरे गिना रही है प्रभु? ये कौन सी दुष्ट आत्मा है? मेरे पापों को पूरा गिना रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तू कौन होता है मुझे यहाँ से निकालने वाला? ठीक है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, और मैंने इस बाइबिल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं पापी था, मैं बहुत सारे पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने नशा किया, मैंने लोगों को धोखा दिया, मैंने चोरी किया। लेकिन प्रभु बोलता है इसमें कि जो कोई अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से उसे पाक, पवित्र और शुद्ध कर देता है, उसके पापों को क्षमा कर देता है और उसे उद्धार और अनंत जीवन देता है। और वही शक्ति मुझे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिला है, और उस लहू से मैं तुझे आदेश देता हूँ, और मैं अब पवित्र हो चुका हूँ। वचन में कहता है,
मेरा पिता पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है और आज मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पाक और पवित्र और शुद्ध किया है। तेरे जैसे हे दुष्ट आत्मा, मैं अशुद्ध नहीं हूँ। मैं किसी के जिंदगी में दखलबाजी नहीं करता या मैं किसी के जिंदगी को खराब नहीं करता। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस वचन से लोगों को जीवन देता है और इसी आदेश से और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो और उसके नाम से सुसमाचार सुनाओ। तो आज मैं इसी आदेश से मैं पाक और पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। तू मेरा कितना भी पाप बता दे, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं इस पाप से मुक्ति पा चुका हूँ और इसी आदेश से और प्रभु यीशु मसीह के आदेश से मैं इस दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। हे प्रभु यीशु, इस दुष्ट आत्मा को तेरे लहू, पवित्र लहू से निकाल दे, प्रभु छोड़ दे, चले जा, चले जा यहाँ से। तू यीशु को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, लाख लाख शुक्र अदा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता। शर्मा सिस्टर उठिए, शर्मा सिस्टर उठिए, शर्मा सिस्टर अभी आप कैसे हैं? अब बॉटल से पानी पानी पीजिए, ले लीजिए पानी पी लीजिए। कैसे हैं सिस्टर? पानी पीजिए आप पहले, है ना। अब बताइए कैसे लग रहा है आपको? प्रभु का धन्यवाद हो, आपने मेरी मदद की, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शैतान ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। धन्यवाद पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें इसी बात को मानना है, हम सब पापी थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा छुटकारा मिला और आज हम पाक और पवित्र हैं उसके लहू के द्वारा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों से छुटकारा देता है और हमें परमेश्वर पिता के सामने खड़े होने लायक बनाता है, हमें पवित्र करता है, मुक्ति देता, आनंद जीवन देता है। और इसी वजह से आज मैं शैतान से जीत पाया हूँ। तो हमें अपने जीवन को पाक और पवित्र और शुद्ध करना है और उसी वजह से हम शैतान से लड़ाई कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।